ये दोनों श्राप के योग्य है। सनत कुमार ने कहा तो मैं श्राप दे दूं, और सनातन ने इतने समय का मंडल लिया और कहा मूर्खो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जन्म जन्मांतरण 3 बार तुम पृथ्वी पर जाके राक्षस बनोगे। अब इतना सुन के दोनों चरणों में गिर गए। क्षमा करो ऋषिराज, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, ये श्राप वापस ले लो, कोई उद्धार बताइए, श्राप वापस ले लो। तो भैया भगवान ने भी कहा है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की ली। संत की कही हुई वाणी, बुजुर्ग की कही हुई या वाणी और ब्राह्मण की कही हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। देखा उन्होंने कहा ये कष्ट तुम्हारा हल्का हो सकता है, बस ये हमारा पाप मिथ्या नहीं होगा, लेकिन ये जो कष्ट है ये कम हो सकता है। बोले प्रभु इस कष्ट को ही वापस दे दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ हम उस भगवान विष्णु को भी श्रापित करते हैं कि तुम्हारे उद्धार के लिए उन्हें भी मानव योनि में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तब तक भगवान क्षीर सागर से भागे चले आए और ऋषियों को प्रणाम किया, प्रणाम ऋषिवर मेरे से भूल हो गई, मैंने तुम्हें लक्ष्मी के से दर्शन देने को कहा लेकिन मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे पाया, बस क्षमा कीजिए ब्रह्म संत भगवान क्षमा कीजिए। सज्जनों भगवान सुखदेव यह कहते हैं कि पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, दूसरे जन्म में शिशुपाल, तृतीय जन्म में शिशुपाल दंत वक्र बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, तीनों जन्म में। और हिरण्याक्ष को भगवान नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह रूप धारण, हिरण्याक्ष को वाराह अवतार धारण किया और भगवान श्री राम अवतार धारण करके रावण कुंभकर्ण को मारा, शिशुपाल और दंत वक्र को भगवान कृष्ण अवतार धारण करके प्रभु ने मारा। तो जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतरित अवश्य आते हैं। जैसे कि हमारे इस खादर में स्वामी संत शिरोमणि हरि बाबा महाराज जी का पदार्पण हुआ। सज्जनों आज भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मेरी माँ पृथ्वी में अवश्य आ रहा हूं, देरी मत करना, और भगवान ने आदेश कर दिया मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगा और कृष्ण बन करके मथुरा में मैया जल्दी से आऊंगा। भगवान आइए आइए आपका स्वागत है भूमंडल पर। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते उन्हीं की सेवा करने को गोपी वाला बन जाते। भगवान ने कहा
भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं तो जितने ग्वाला थे वो देवताओं के अवतार थे। भगवान ने कहा सभी देवताओं से अब क्या देखते हो, जाओ। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, सब जाकर के ग्वाला बन जाओ। जितनी देवियां थी सबसे कहा कि तुम जाओ, सब देवियां गोपिका बन जाओ। सज्जनों, जो अन्य धर्म वाले उंगली उठाते हैं कृष्ण के ऊपर, कृष्ण जैसा योगी ना हुआ ना हो पाएगा। जितनी गोपिका थी वो सब देवियां थी, जितने ग्वाला सब देवताओं के अवतार हुए। उधर भगवान का आदेश हुआ, देवता अपने अपनी जगह जाके भजन में लीन हो गए, और उधर कंस पाप ही पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। एक दिन जितनी यदुवंशियों की कन्या जाती दूध दही बेचने, सबको लाइन से खड़ा कर लिया और सबसे कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम कितनी प्यारी कुआरी हो। एक कहने लगी, भैया क्षमा करो, हमारा विवाह वृंदावन में हुआ। कंस कहने लगा, वाह, मथुरा के लड़के मर गए थे, जो तुम्हारा विवाह वृंदावन में हुआ। वृक्षों से बांध लेता है, तन की खाल उधेड़ देता है वो कंस। उन अवलाओं ने जाके कहा अपने अपने पिताओं से, आज के बाद दूध दही बेचने मथुरा नहीं जाएंगे। क्यों? कंस बड़ा अत्याचारी है, पापी है। महाराज, जितने यदुवंशी राजा सब इकट्ठे होकर राजा के दरबार में पहुंचे, महाराज आप राजा हो और हम आपकी प्रजा, और आपका जो होने वाला युवराज कंस जो पुत्र है वो बड़ा पापी अत्याचारी है। अरे भैया, उग्रसेन ने कहा अभी कंस को दरबार में बुलाया जाए। अब कंस जब दरबार में बुलाए गए तो महाराज 18 पट्ठा उनके साथ, कान से ऊंची लाठियां जिनके हाथों में, उनसे कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम इतना बड़ा पाप करते हो, होने वाले मथुरा के राजा हो, और तुमने इन सभी यादव की जो कन्या और पत्नियां थी सबको तंग किया है। कंस कहने लगा, और बोलो क्या बोलना चाहते हो। जवाब दिया, मेरे लाल ध्यान करो, तुम मथुरा के राजा बनने वाले हो। कंस ने एकदम जवाब दिया, मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए, और तो कोई नहीं बोला। जो 18 मित्र उसके थे, 18 पट्ठा उसके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज कंस जैसा होना चाहिए। अब क्या था, उग्रसेन को पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके जेल में बंद कर दिया, और स्वयं मुकुट बांध करके मथुरा का राजा बन गया। और उन हीरों से कहा कि चले जाओ, हमारे